हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने सब्सक्राइबर के बारे में बताऊंगी कैसे उन्होंने पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी का पता कर लिया था, प्रेगनेंसी कंफर्म कर ली थी। और ये तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, अगर ये दो लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले नज़र आ जाते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर दें और बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करनी है पीरियड मिस होने से पहले, वो देखने से पहले आपको मैं अपने सब्सक्राइबर का कमेंट शेयर करती हूँ, कमेंट बताती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया था। मेरी सब्सक्राइबर फरहीम बेगम ने कहा, मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो जो एक मिनट में 90 से ज़्यादा हार्ट बीट आने पर प्रेगनेंसी कंफर्म की थी, जो आपकी, उनका कहना है कि जो आपकी वीडियो थी एक मिनट में 90 से ज़्यादा जो हार्ट बीट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी वो उन्होंने देखी थी। और उन्होंने बोला कि वहाँ से उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म की थी। इन्होंने बोला कि आई ट्राइड डैट एंड डैट वॉज ट्रू। और उन्होंने ये भी बोला कि आई ट्राइड इट बिफोर माई मिस पीरियड, पीरियड मिस होने से पहले ही उन्होंने ऐसा किया था और वो, उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट किया होगा जो कि पॉजिटिव आया था। सो अब मैं बात करती हूँ आपको कैसे चेक करना है और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, जिससे इस एक तरीके से पीरियड मिस होने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आप प्रेगनेंट हैं या नहीं। फ्रेंड, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी बहुत तेजी से काम करने लगती है। महिला की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, महिला का जो हार्ट है वो पहले से ज़्यादा ब्लड पंप करने लगता है, आपकी बॉडी बेबी को नरिश करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करने लगती है, जिसके कारण आपकी जो पल्स रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर रही है ताकि यूट्रस में बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, और हार्ट बीट तेज हो जाती है ताकि ज़्यादा ब्लड पंप हो सके, जिसके कारण पल्स रेट भी इंक्रीज जाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब ये पल्स रेट आपको कैसे चेक करना है और क्या गलती नहीं करनी है ताकि आप एग्जैक्ट अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकें हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल वूमेन जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसकी पल्स रेट 60 से 80 होती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर ये पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। एक मिनट में 80 से ज़्यादा हो, अगर 90 से ज़्यादा हो, 100 तक हो, 100 से भी ज़्यादा अगर आपका हो, अगर 90 से भी ज़्यादा हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। चेक कैसे करना है, आपको अपने हाथ के अंगूठे से सीधा नीचे वाले हिस्से में दो फिंगर थोड़ी सी प्रेस करके रखें और अपनी नर्वस को महसूस करें और इस नर्वस को 10 सेकंड तक देखें। 10 सेकंड में आपकी कितनी बीट्स आपको सुनाई दी हैं, कितनी बीट्स आपको महसूस हुई हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इससे आपको पूरे एक मिनट का बीट का कैलकुलेशन मिल जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरे एक मिनट में अपनी बीट्स को महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि एक मिनट में आपकी पल्स रेट कितनी है। जैसे अगर आपको 10 सेकंड में 12 बीट फील हुई हैं तो फिर आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आता है, तो ये आपकी एक मिनट की पल्स रेट आ जाती है, जिससे आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और आप अपने गले यानी नेक की पल्स भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से, लेफ्ट और राइट। और अगर आपको प्रेगनेंसी के अदर सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, जैसे मेन होता है पीरियड मिस होने से पहले ही जो आपको महसूस हो जाता है वो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प, आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का पेन फील होता है, तो ये आपके नाभि के सीधा नीचे मिडल में फील होगा और ये पीरियड मिस होने के आसपास या पीरियड डेट में भी आप को फील होता है। ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प इसलिए होता है क्योंकि जब यूट्रस में जाकर एग चिपक जाता है, फर्टिलाइज हुआ एग एम्ब्रियो जाकर चिपकता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, तो तब उस समय पर आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है। और कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद वोमिटिंग जैसा भी आपको फील हो सकता है, आपको डिजीनेस फील हो रही है, कमजोरी है, थकावट है, आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके मुँह का
स्वाद अगर बिगड़ गया है तो ये सब प्रेग्नेंट होने के लक्षण होते हैं। हालांकि ये लक्षण थोड़े लेट नजर आते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प है और जो पल्स रेट का जो सिम्टम है वो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही फील हो सकता है। और अगर प्रेग्नेंट होने के लक्षण के साथ साथ अगर आपकी पल्स रेट भी 90 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन पल्स रेट कुछ और कारणों की वजह से भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो भी पल्स रेट बढ़ जाता है। और साथ ही में अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, स्ट्रेस है काफ़ी देर से, अगर आप किसी बात से डरे हुए हैं तो भी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में पल्स रेट चेक कर रही हैं और पल्स रेट इंक्रीज होता है तो इसका प्रेगनेंसी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, आप एक्सरसाइज करते समय या फिजिकल एक्टिविटी करते समय पल्स रेट नहीं चेक कर रहे हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप पहले 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करें, एक जगह बैठें और फिर चेक करें। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सीढ़ियां चढ़ रही हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, फिर आप फिजिकल एक्टिविटी करते समय ही नर्वस को चेक कर रही हैं। ऐसा करने पर आपको जो बॉडी का एग्जैक्ट पल्स रेट है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पहले 15 से 20 मिनट तक क्या करना है, बैठना है, रेस्ट करनी है आराम से, तो फिर आपको पल्स रेट चेक करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो फिर आप पल्स रेट चेक कर रहे हैं तो भी एग्जैक्ट नहीं आता है। इसलिए अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, नॉर्मल रेस्ट में अगर आप ऐसे चेक करेंगी, अगर आपका पल्स रेट 90 से ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगी 90 से ज़्यादा है, 90 के आसपास है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। ऐसा होने पर आप अपने पीरियड मिस होने का वेट करें। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप 100% समझ जाएं कि आप प्रेगनेंट हैं, और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका जरूर पॉजिटिव अगर आपको ये दो सिम्टम फील हो रहे हैं।